Hey family, good morning. तो कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel, मनीष की तानिया। तो सुबह की बज रही 6 और हम बना रहे हैं रोटी, ठीक है? तो आपको थोड़ा थोड़ा सा भाव सुनिए। हम रोटी बना रहे हैं सवेरे, इसलिए बना रहे हैं कि पूजा आज फर्स्ट मतलब पहला रख है और उधर पकवान भी बन रहा है, तो खाना भी बनाना जरूरी है सबके लिए। तो मम्मी और आंटी दोनों पकवान बना रही हैं, तो हम इधर खाना बना रहे हैं। तो खाना में सब्जी बन गया है और रोटी बना रहे हैं। रोटी बनाने के बाद फिर भिंडी का भुजिया बनाएंगे, तो भुजिया भी काट लिए हैं हम और 6 बन गया, साढ़े 6 बजे तक हो जाएगा मेरे। अब लास्ट ही है, बस ये लास्ट ही है। तो फटाफट जल्दी से उनकी झाड़ू पोछा ऊपर नीचे कर लेंगे। ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करते करते मेरे 2 घंटा लग जाता है, नीचे 1 घंटा ऊपर, तो परेशानी तो हो ही जाता है ना। और रोज़ करते हैं ना कुछ भी, जैसे कि खाना डेली बनाते खाद पड़ गया है, हज़ार कोशा जो नहीं करते हैं ना, तो लगता है कि बहुत बड़ा काम है। लेकिन फिर जाते हैं थोड़ा बहुत ऊपर झाड़ू लगाने के लिए घंटे के कारण। तो लास्ट रोटी है खाना खत्म होगा, झाड़ू पोछा करके हम नहा लेंगे। मेरे को भी पता है 5 बजे ही जल गया था वो भी, मतलब हम नीचे आए हमने कॉल किया कि बाबू जो फिर गए तो साक्षी को कॉल किए कि बाबू पक पकड़िए हम खाना बना रहे। फिर आए तो रोटी बनाना शुरू, पापा जब भी बाबू ने ब्रश किया चाय बना के उनको दे दिए और हम भी चाय पी लिए। कितना ऑरेंज ऑरेंज कितना मोटा सा लग रहा था कि हाँ हो जाता। तो ये पकवान का शुरुआत हो चुका है। बहुत लोग ठेकुआ नाम से जानते हैं, बहुत लोग पकवान नाम से जानते हैं इसको। तो मम्मी और आंटी पकवान बना रही हैं और गप्पे सप्पे भी लगा रही हैं साथ साथ। ये 2 डब्बा जो आपको दिखता हुआ, ये सारा इसमें गेहूं भरा हुआ था, मतलब आटा, उस इतना का बन गया ये। और ये कुछ बोल गई थी बट उनका आवाज़ ही मैंने उड़ा दिया। तो अब ये देखिए कितना फास्ट काम करेगी। अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं और इनको मैं कर देती हूँ फास्ट। अंकल और पापा ये फल मार्केट गए थे, तो वहाँ का ये वीडियो थोड़ा सा क्लिप है। तो ये देखिए केला बहुत ज़्यादा यहाँ पे, सेब लोग, ये सेब है, अमरूद है, संतरा है, मूली है और पता नहीं क्या क्या है, डाव है, अदरक है, सुथनी है, पानी फल है,
सारा कुछ है यहाँ पे, यहीं एक जगह ही सारा कुछ लगता है, मिल गया ये लोग को। तो हम बोले थे थोड़ा सा बस वीडियो बना के लाने के लिए, बस थोड़ा सा मुझे ब्लॉग में डालना था, मार्केट मैं तो गई नहीं, तो वीडियो भी आ गया तो बहुत अच्छा लगा। तब तक इधर ठेकुआ बन रहा था और उधर दोनों जाके फल ले आए, और हम इधर खाना बना रहे थे, आप लोग तो देखे ब्लॉग में कि मैं खाना बना रही थी, और उधर साक्षी को मैं फ़ोन लेके भेजी थी कि आप जाइए और ब्लॉग बना लीजिएगा ठेकुआ का, जब हमको पूरा ब्लॉग दिखाना है तो भाई क्या हो रहा नहीं हो रहा सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना। तो ये देखिए सब कुछ का वजन कर करके दे रहा है, सॉरी दे रहे हैं। तो चलिए तो मैं अपना साउंड ऑफ कर देती हूँ। आज मार्केट में भीड़ भी काफ़ी दिख रही है, सब कोई पूजा का सामान लेने के लिए गए होंगे तो भीड़ तो रहेगा ही। ऐसे भी पता नहीं, ये मार्केट में दो तीन बार गई हूँ शादी के बाद, कुछ काम था तो दो तीन बार से ज़्यादा ही गई होंगी। जब भी गई इतना भीड़ यहाँ जाके जाम लगना ही लगना है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फ्री से गए और फ्री से आ गए, मतलब रुक रुक के थोड़ा दूर चलना ही पड़ता है। तो पूरा मार्केट में एकदम पूरा सजा हुआ है मार्केट, देखिए फल वाला मार्केट मुझे सबसे अच्छा लगा आज, मतलब पूरा भरा भरा फल था। इतना मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई दिन रहता है, मैंने छठ में चढ़ता भी है फल, तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही फल दिख रहा है। तो मार्केट तो बिल्कुल सजा हुआ, और कहीं कहीं मेला भी लगा था, हो सकता है उसका भी मुझे पंडाल थोड़ा सा दिखा था, पता नहीं, बट हो सकता है कहीं मेला भी लगा होगा तो उसके लिए भी भीड़ होगा। तो अंकल पूरा फल लेने में बिजी हैं। पूरा मार्केट सजा हुआ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत। ये अंगूर दिख रहा है क्या? अंगूर मिलना शुरू हो गया है मार्केट में, है ना, लेकिन अभी अंगूर बहुत खट्टा होगा, अभी तक मेरे घर में नहीं आया है, लेकिन अभी आने से कोई फ़ायदा नहीं। जब भी आता है ना शुरू शुरू में बहुत खट्टा लगता है, इसका सीज़न बहुत जब ठंडा हो जाता है ना दिसंबर जनवरी तभी अच्छा लगता है। तो आज ये फल वाले भी अंकल सब खुश हैं, इनका भी इतना बिक्री हो रहा है, इसी सब पर में तो ज़्यादा बिक्री भी होता है इन लोग का। देखिए मार्केट तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और भीड़ भी ज़्यादा है, छठ पूजा का भीड़ है ये। खाना दिए तो इधर आ गए कि आंटी कॉल की थी कि अभी सो